पद्मावत फिल्म को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में क्षत्रिय समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और साथ ही अपने खून से एक पत्र लिखकर अपना गुस्सा जताया है और राष्ट्रपति सहित पीएम और सीएम से इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं कराने की अपील की है। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली द्वारा संचालित फिल्म पद्मावत का विरोध तो पूरे देश पर चल रहा है, पर कुछ राज्यों में क्षत्रिय समाज के लोगों की मांग और भारत की सभ्यता को देखते हुए फिल्म पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। मगर यूपी में 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म पद्मावत का संभल के क्षत्रिय समाज के लोगों ने विरोध किया है और संभल सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला हल्लू सराय, जो कि पूरी तरह क्षत्रिय समाज के लोगों की लगभग 4,000 की आबादी वाला मोहल्ला है, रविवार को क्षत्रिय समाज के लोगों ने संजय लीला भंसाली की 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म पद्मावत का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फिल्म में क्षत्रिय समाज के लोगों की संस्कृति और सभ्यता को गलत ढंग से दर्शाया गया है और जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने माननीय राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा है और साथ ही अपने खून से पत्र लिखकर पीएम मोदी और सीएम योगी से यूपी में फिल्म को बैन करने की अपील की है और कहा है कि आज तो हमने अपना ही खून बहाया है, अगर फिल्म उत्तर प्रदेश में रिलीज हुई मजबूरन हमें खून की होली खेलनी होगी और वो खून नालियों में बहता हुआ दिखेगा। यह हमारी चेतावनी नहीं है, अपील है। अतः सरकार से गुजारिश है कि फिल्म पद्मावत को और राज्यों की तरफ से उत्तर प्रदेश में भी बैन किया जाए। उत्तर प्रदेश से नदीम अली की रिपोर्ट। We'll be right back.